नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा पुलिस ने साल 2022 में 19,000 वाहन चालकों का चालान कर 1.25 करोड़ जुर्माना वसूला है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत 96 लाख रुपए का गांजा भी पकड़ा गया। एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि साल 2016 में पुलिस ने कोटपा एक्ट और पुलिस एक्ट के तहत नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की थी। नए साल पर भी पुलिस कप्तान ने अपराध पर लगाम लगाने, नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई और नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही। तो वहीं प्रेस वार्ता में एसएसपी ने कहा कि साल 2023 में भी नियम और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऐसे ही पुलिस ने कार्रवाई करती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए साल में नई पार्किंग बनाई जाएगी, साथ ही साथ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम तरह के पुलिस के द्वारा एहतियात भी बरते जाएंगे। और एनडीपीएस में करीब 96 लाख रुपए तक के गांजा, चरस इत्यादि बरामद हुए हैं, जिसमें कि गांजा सबसे ज़्यादा है, 5 क्विंटल गांजा है और 9 किलो चरस बरामद हुई है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में लगभग 19,000 जो वाहन चालक हैं उनके चालान किए गए हैं और जिसमें कि लगभग 1.25 करोड़ जुर्माना वसूला गया है। उसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में कोटपा एक्ट के अंतर्गत जो सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना, सिगरेट बेचना इत्यादि में और पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। आगामी वर्ष में जो हमारा मुख्य चैलेंज है, नई पार्किंग डेवलप करना। तो वहीं आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के बाद प्रदेश बीजेपी 15 नवीन मंडल बनाने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र चंपावत में 2 नए मंडल बनाए जाएंगे, जिसमें से एक रीटा मंडल और एक मंच तामली मंडल होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए प्रदेश मंत्री विकास शर्मा और जिला पर्यवेक्षक अनिल साही ने संगठन के स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सबसे राय की है, राय मशवरा हुआ है और जो भी हमारे कार्यकर्ता नगर मंडल के दावेदार हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी की है। हमारे यहाँ बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई चुनाव नहीं होता है, कोई वोट नहीं होता, एक आम सहमति के नाम से। तो जो भी सबके लिए सहमति बनेगी तो संगठन इसमें हमारे प्रांतीय नेतृत्व को ये सूची चली जाएगी जो जो दावेदार है। तो पुलिस मुख्यालय देहरादून की ओर से इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत सहसपुर पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में इनामी अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इस दौरान पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी संदीप नेगी ने थाना सहसपुर में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। इस दौरान बाइक चोरी मामले में पिछले 2 सालों से अभियुक्त इसरान फरार चल रहा था, जिस पर देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। साथ ही साथ फिलहाल पुलिस ने सहसपुर थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। सहसपुर पुलिस द्वारा 10,000 रुपये का इनामी इसरान उफ ताहिर, जो कि 2 वर्ष से फरार चल रहा था, वो गिरफ्तार किया गया और ये हरबतपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। इस पे जो है पूर्व में काफ़ी मुकदमे हैं और इसके द्वारा जो है वाहन चोरी में संलिप्तता रहती है इसकी लगातार, और इस पे 10,000 रुपये का इनामी।
तो वहीं विकास नगर में पावर हाउस ढकरानी इंटेक्स से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया। महिला 1 जनवरी 2022 से लापता थी। पुलिस क्षेत्र अधिकारी विकास नगर संदीप नेगी ने बताया है कि अनिशा राणा दिनकर विहार की रहने वाली थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी कराई गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह प्रातः सूचना मिली थी पुलिस को कि एक महिला की डेड बॉडी जो है वो नहर में है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ पहुँची थी और उन्होंने उस डेड बॉडी को निकाला और निकाल करके जब उसको देखा गया तो वो महिला जो है अनिशा राणा थी, जिसको कि कल जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी और आज वो उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की नोटबंदी को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का सीएम धामी ने स्वागत भी किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। पीएम का नोटबंदी का फैसला सही था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए सीएम ने कोर्ट का आभार जताया है। निश्चित रूप से वो उस समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था उसको बिल्कुल सही ठहराया है कि देश के अंदर एक बड़ा बदलाव करने के लिए तमाम प्रकार की कालाबाजारी, काला धन, इस प्रकार की जो करेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस समय का ये फैसला ठीक था और बड़े बहुमत से उन्होंने उस समय के फैसले को सही करा दिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने नव निर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवशिष्ट छात्रावास झाड़ीपनी का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम संपर्क सम्राट शाला, टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कृषि मंत्री गणेश जोशी और गढ़ी कैंट विधायक सविता कपूर भी उनके साथ मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने नव निर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवशिष्ट छात्रावास झाड़ीपनी का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने संपर्क सम्राट शाला, टीवी डिवाइस और स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी और गढ़ी कैंट के विधायक सविता कपूर भी उनके साथ मौजूद रहे। तो इस बीच रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नशे पर पुलिस की रकेल, ड्रग कारोबारियों पर हो रही है कार्रवाई, देर रात ड्रग माफिया पर बड़ी कार्रवाई। गंगनहर पुलिस एसटीएफ ने की है ये कार्रवाई। 1,20,000 की नशीली गोलियां बरामद की गई, आरोपी समेत कार को भी जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर रुड़की से सामने आ रही है। बता दें आपको कि यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है तस्कर, साथ ही एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। तो इस बीच एक बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई
विभाग के द्वारा की गई है। रुड़की में पुलिस ने नशे के खिलाफ अब कमर कस ली है। ड्रग कारोबारियों पर यह लगातार कार्रवाई की जा रही है। देर रात ड्रग माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। गंगनहर पुलिस और एसटीएफ ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस और एसटीएफ ने 1,20,000 की नशीली गोलियां बरामद की। आरोपी को भी गिरफ्तार किया, कार को भी पुलिस ने जब्त किया है, लेकिन एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बड़ी जानकारी इस वक्त की अल्मोड़ा से आपकी टीवी स्क्रीन पर, माफ कीजिएगा रुड़की से आपकी टीवी स्क्रीन पर। नशे पर पुलिस की नकेल है। ड्रग कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देर रात ड्रग माफिया पर यह कार्रवाई की गई। गंगनहर पुलिस एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 1,20,000 की नशीली गोलियां बरामद की गई है। आरोपी समेत कार को भी जब्त कर लिया गया है। बता दें जो आरोपी पुलिस के शिकंजे में है वो यूपी के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। नशे के खिलाफ पुलिस ने यहां एक बड़ी कार्रवाई की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खेप को जब्त किया गया है। नशे की बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। 1,20,000 की नशीली गोलियां बरामद की गई। एसटीएफ और पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से एक कार को भी जब्त किया गया है। हालांकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। तो अल्मोड़ा के एसएसपी प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने साल 2016 में हुए पुलिस के कोटपा एक्ट और पुलिस एक्ट के तहत नशे की कारोबार पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं नए साल पर उन्होंने अपराध पर लगाम लगाने, नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ नशे के कारोबार को खत्म करने के साथ नशा पीड़ितों की ऑनलाइन काउंसलिंग करने की भी बात कही। में करीब 96 लाख रुपए तक के गांजा, चरस इत्यादि बरामद हुए हैं, जिसमें कि गांजा सबसे ज़्यादा है, 5 क्विंटल गांजा है और 9 किलो चरस बरामद हुई है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में लगभग 19,000 जो वाहन चालक हैं उनके चालान किए गए हैं और जिसमें कि लगभग 1.25 करोड़ जुर्माना वसूला गया है। उसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में कोटपा एक्ट के अंतर्गत जो सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना, सिगरेट बेचना इत्यादि में और पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई। एनडीपीएस में करीब 96 लाख रुपए तक के गांजा, चरस इत्यादि बरामद हुए हैं, जिसमें कि गांजा सबसे ज़्यादा है, 5 क्विंटल गांजा है और 9 किलो चरस बरामद हुई है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में लगभग 19,000 जो वाहन चालक हैं उनके चालान किए गए हैं और जिसमें कि लगभग 1.25 करोड़ जुर्माना वसूला गया है। उसी प्रकार पर्याप्त मात्रा में कोटपा एक्ट के अंतर्गत जो सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीना, सिगरेट बेचना इत्यादि में और पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई। एनडीपीएस में करीब 96 लाख रुपए तक के गांजा, चरस इत्यादि बरामद हुए हैं, जिसमें कि गांजा सबसे ज्यादा है, 5 क्विंटल गांजा है और 9 किलो चरस। तो बाजपुर के एसडीएम कोर्ट परिसर में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने 10 लाख रुपए की लागत से अधिवक्ताओं के लिए बने बार भवन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने भविष्य में और मदद की जरूरत होने पर सहयोग करने की बात भी कही। आपको बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहीं इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया, जिसके उपरांत अधिवक्ताओं ने विधायक अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है। उत्तराखंड सरकार भवन का निर्माण विधायक निधि से किया गया था। सभी हमारे वकील जो बंधु हैं इनका आदेश था, उसका पालन किया, पैसा समय पे आ गया था, वह भवन बन गया। आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं बार काउंसिल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, इस उम्मीद से कि आने वाले समय में जो बाजपुर हमारी ये कोर्ट है, छोटी जगह है लेकिन यहाँ मुकदमे काफ़ी हैं, हमारे वकीलों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो, इतना अच्छा काम हो कि इनका नाम अच्छे कामों के लिए जाना जाए, हमने ऐसी इनको शुभकामना दिया है। और नए साल में
भाजपा वासियों को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूँ। तो वहीं चमोली जिले के जोशीमठ में भू रिसाव पर स्थानीय लोग प्रशासन के निरंकुश रवैये पर आक्रोशित हो गए हैं। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही। समिति के संयोजक अतुल सती ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए पहले भी कई जांच समितियां अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन उस पर ना तो प्रशासन गंभीर नजर आई और ना ही कोई भी कार्रवाई की गई है। बद्रीनाथ के विधायक ने कहा है कि जोशीमठ का अस्तित्व अब खतरे में है, लेकिन कुछ लोग अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि भरोसा देने की तो बात बहुत दूर, उन्होंने जोशीमठ से इतनी दूर से लोग जो आपदा प्रभावित हैं, आपदा पीड़ित हैं और पीड़ित लोगों की पीड़ा लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए थे, उन्होंने लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा, सुनना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी हम लोगों ने उनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो आप फुर्सत में हो जाएं तो हम दोबारा आपसे मिल लें, लेकिन उसका भी हमको समय नहीं दिया गया। अब मुलाकात तो 10 बजे होनी थी, 7:20 पे विज्ञप्ति जारी कर दी गई, आप यहाँ पर बैठे हुए केवल राजनीति करना चाहते हैं और घर में बैठे बैठे जब उनको पता चला कि लोग मुख्यमंत्री जी को मिल गए हैं, मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो रही है, मुख्यमंत्री जी से जोशीमठ की समस्याओं के बारे में जो है बताया जा रहा है, उससे पहले आनंद फाना में आकर के नेताजी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब बताओ 7 बजे की विज्ञप्ति जारी है, आप 8 बजे आप घर पे थे, उससे पहले विज्ञप्ति जारी हो गई। तो वहीं ध्वनि प्रदूषण प्रदेश में अब एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। बीमार व्यक्तियों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर है। आमतौर पर अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और दूसरी संवेदनशील जगहों के आसपास नो हॉर्न जोन होता है, लेकिन राजधानी देहरादून में ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े दूर अस्पताल के बाहर ध्वनि प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। भीड़भाड़ वाले दून चौक पर हर समय वाहनों की आवाजाही लगी रहती है और वहीं दून अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नितिन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से काफी कम उम्र के लोग भी इससे ग्रसित हो रहे हैं और कई तरह के प्रयोगों में भी लगातार जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से बार बार सभी वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि जब जरूरी हो तभी हॉर्न बजाएं। देहरादून ट्रैफिक व्यवस्था को लेके पिछले 4 महीने से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि हम लोगों ने रोज की ट्रैफिक के लिए अलग प्लान रखे हैं। जो अगले महीने में जो भी माइलस्टोन आएंगे, जैसे जनवरी में 26 जनवरी आएगा, 15 जनवरी के आसपास डिफेंस मिनिस्टर की विजिट है, तो इन चीज़ों को हम प्रेडिक्ट करके हम पहले से ही प्रिपरेशन करना शुरू किए। हर तरफ नॉइज पोल्यूशन किसी किसी रूप में है ही, जैसे हम गाड़ी में निकल रहे हैं या बाइक में निकल रहे हैं तो हॉर्न जो एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ हॉर्न जो नहीं होना चाहिए, उससे अंदरूनी कान की जो नसें होती हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि तेज आवाज़, एक हमारे अंदरूनी कान की एक लिमिटेशन होती है किसी भी आवाज़ को सुनने की। अब उस लिमिट से अगर ज़्यादा अगर हम किसी आवाज़ को उस कान तक पहुँचाते हैं तो उससे अंदरूनी कान की जो नसें होती है, उनके जो सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, उसमें काफ़ी प्रभाव आता है। तो हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण क्षेत्र की पिलर बंदी कर दी गई है और साथ ही रेलवे के ADRM सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशासन के साथ रेलवे की अतिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण कर समन्वय बैठक की। वहीं SDM मनीष कुमार ने बताया है कि आज रेलवे टीम ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रेलवे की भूमि से जल्द अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और उसमें पूर्व रेलवे की संपत्ति को कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके, इसके लिए विस्तार पूर्वक निरीक्षण कर समन्वय बैठक की गई है। ये तो हम ही करेंगे। पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग का एक समन्वय था और उसमें वो संवेदनशील स्थल जो चिन्हित किए जाने थे और साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किस प्रकार से किया जाए, उसके संबंध में एक बैठक थी और बैठक जो है
ठीक प्रकार से संपन्न हुई। सर निरीक्षण में क्या पाया है, कब तक निरीक्षण है, कब तक तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा? तो ये तो अभी इस पे बताया जाना उचित नहीं होगा कि कब से क्या कार्रवाई होने, लेकिन हाँ ये रेलवे और पुलिस और प्रशासन का एक समन्वय बैठक थी और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का किस प्रकार से अनुपालन अच्छी प्रकार से किया जाए उसके संबंध में एक निरीक्षण। भैया ये पूछ नहीं रहेगा भाई, बात नहीं करेंगे। सर बात नहीं करेंगे, ये नहीं इधर आ जाए, इधर सही है। यहाँ स्टेशन को कैसे फेंस कर रहा है? तो वहीं दिल्ली हरिद्वार मार्ग NH हाईवे पर बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुए सड़क हादसे के बाद जहां पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो वहीं ऋषभ पंत के साथ हुई सड़क दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे के अधिकारियों की भी पोल खुल गई है। सड़क हादसे के बाद नेशनल रोड सेफ्टी टीम ने घटनास्थल पर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया जहां नारसन से लेकर मंगलौर तक 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर अनगिनत कट लगे हुए हैं। वह स्थानीय लोगों ने कई बार इस बात की शिकायत प्रशासन भी की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से नेशनल हाईवे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रोड के बारे में तो भैया यहाँ डेली का डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ, अभी ऋषभ पंत जी का हुआ, वो तो भाई स्टार खिलाड़ी, तो इसलिए आप भी यहाँ आगे और जो हाईवे वालों ने भी ध्यान दिया। अब उधर देखो आप, वहाँ रास्ता ही नहीं है और यहाँ तो पर डे का, यहाँ तो अगर हम भी घर से चल ले तो हमारी ये भरोसा नहीं, हम शाम को घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। ये 2 साल से यहाँ लगातार 8 दिन में 2-3 एक्सीडेंट हो जा और 100-150 आदमी तो यहाँ लोकल के मर चुके हैं और जो बाहर के बेचारे मोटरसाइकिल पर आओ उनका पता नहीं चलता, वे आगे जाके मर रहे जी रहे, लेकिन आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। और प्रशासन की इतनी लापरवाही, सितंबर में हमने SDM को बुलाया था और रुड़की में धरना भी लगाया था और SDM ने आके यहाँ सर्वे करा और SDM ने ना आदेश कर दिया, अक्टूबर में कंप्लीट चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं हो रहा। और बाहर दिल्ली से कोई फॉरेंसिक टीम आई है, निरीक्षण उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो हमें उनको सुविधा उत्पन्न दी जा रही है निरीक्षण के लिए, यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो उनको जरूरत आवश्यकता है वो कराया जा रहा है। सर कितने लोग टीम में हैं और कौन सी संस्था है, कहाँ से आई है, किसके दिशा निर्देश पर वो संस्था यहाँ पे काम करती है? हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेटर आया था उसके आदेश पर उनके साथ हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।